जब जिस वक्त पर हम लोग जाति जाति धर्म और बाकी मुद्दों को छोड़ देते हैं, एक राष्ट्रीयता का मुद्दा आता है, तो राष्ट्रीयता में सबसे बड़ा भारत को जो राष्ट्र कहा गया है वो हिंदू राष्ट्र कहा गया है, हिंदू राष्ट्र कहा गया है, आप इसे कहीं भी देख सकते हैं। संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र लिखा आप नहीं, ये बात किसको मानते हैं हम लोग? हिंदू राष्ट्र लिखा नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र प्रोनंसिएशन में कहा जाता है, और मैं बोल रहा हूँ कि लिखित में नहीं होगा लेकिन बोला जाता है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जरूर की जाती है, मगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रह सकते हैं, यही हमारा संविधान भी कहता है। सेकुलर कंट्री है जी भारत, अगर सेकुलर ना होता तो वास्तव में आज यहाँ रहने वाला हर धर्म सुरक्षित ना होता, यही तो भारत की खासियत है। लेकिन चूंकि बहुमत के आधार पर यहाँ हिंदू जो एक कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा संख्या में है, तो हिंदू राष्ट्र इसलिए कहा जाएगा। आपके साथ हिंदू राष्ट्र बन गया है? जी है, मैं तो इसे कहूंगा हिंदू राष्ट्र है। जो बीजेपी है या संघ से जुड़े लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र मैं इसलिए भी कहूंगा, जब जिस वक्त पर पुराने प्राचीन भारत की अगर बात करी जाएगी, यदि हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी को भी इग्नोर नहीं करा जा सकता यहाँ से। कौन करता है इग्नोर? नहीं, आप अगर हिंदू राष्ट्र नहीं कह पा रहे तो इग्नोर करना ही है कहीं ना कहीं। जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, देखिए संविधान के आधार पर भी अगर आप बात करेंगे तो जिसका बहुमत है उसे ही लिखा हुआ है, जिसका बहुमत है सरकार का तरीका दूसरा है, संविधान भी तो लागू होगा। संविधान में थोड़ी ने लिखा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, सरकार आदि लागू होती है, संविधान के आधार पर सरकार लागू करी जाती है, तो हिंदू क्यों नहीं लागू करा जाएगा? हिंदुस्तान इसका नाम है, वो जब देश आजाद हुआ नाम भारत है। इंडिया की जो उपाधि दी गई वो भी गलत है, इंडिया भी नहीं है, ये भारत है जी, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर आप हिंदू राष्ट्र कहते तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सभी धर्मों का राष्ट्र है। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।